नमस्कार, हम राजस्थान बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर 2 विश्व के प्रमुख दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और इससे वाले भाग में पार्ट 1 में हमने जैन दर्शन के अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह तक कर लिया था। आगे हम करेंगे ब्रह्मचर्य। इन चारों बातों का पालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मनुष्य विषय वासनाओं से दूर नहीं रहता। इसलिए महावीर ने जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के चारों उपायों में ब्रह्मचर्य का 5वां उपाय जोड़कर इन्हें त्रिरत्नों की प्राप्ति का साधन बताया। महावीर कहते थे कि संसार के सुख दुख का कारण मनुष्य का अंतःकरण है। यदि ऊपर बतलाए गए उपायों का मनुष्य पालन करे तो वह आत्मा पर विजय प्राप्त कर सकता है। आत्मा पर विजय प्राप्त करने से ही संसार की मोहमाया से मनुष्य को छुटकारा मिल सकता है। तपस्या तथा उपासना। महावीर ने आत्मा को वश में करने तथा उपर्युक्त 5 नियमों का पालन करने के प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बताई, एक बाह्य और दूसरी आंतरिक। तपस्या में नम्रता, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। बाह्य तपस्या करने से व्यक्ति में आंतरिक तपस्या करने की क्षमता आती है और मानव में अच्छे विचारों का विकास होता है। महावीर ने तपस्या का सबसे सरल साधन उपवास बताया। इसे शरीर एवं आत्मा शुद्ध होती है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। महावीर आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार प्रकृति में परिवर्तन हो सकते हैं, किंतु आत्मा अजर अमर है और सदैव एक सी बनी रहती है। मनुष्य के कर्मों के कारण पैदा होने वाली सांसारिक वासना के बंधनों से आत्मा का बार बार आवागमन रहता है और जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। इसलिए महावीर स्वामी का कथन था कि यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो कर्मों के बंधन नष्ट हो सकेंगे और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी। महावीर की इस विचारधारा से अनुमान लगा सकते हैं कि जैन धर्म आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। महावीर की ये सभी शिक्षाएं बड़ी सरल व सीधी थी। साथ ही इन सभी बातों का उपदेश महावीर ने उस युग की जनता की भाषा अर्धमागधी में किया। महावीर ने जातिवाद व छुआछूत का विरोध किया तथा नारी को पूरा सम्मान दिया। महावीर ने तत्कालीन हिंसा, कट्टरता व सामाजिक कुरीतियों का जमकर विरोध किया। जैन दर्शन निर्वृत्ति मूलक है। इसके अनुसार सांसारिक जीवन में सुख नहीं है, अतः संसार का परित्याग कर कठोर तपस्या द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य के सारे सुख दुखों का कारण उसके कर्म ही है। कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है। उसे कर्मों के फल को भोगे बिना जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिलता। जैन मतानुसार यह सृष्टि जीव व अजीव से निर्मित है। जीव चेतन है, अजीव अचेतन है। जीव व अजीव कर्म से बंधे रहते हैं। कर्म के बंधन को तोड़ना ही मोक्ष है। जैन दर्शन में शादवाद या अनेकांतवाद सहिष्णुता व समन्वय का मूल मंत्र है। महावीर ने कहा कि किसी बात को एक ही पक्ष से मत देखो, उस पर एक तरह से ही विचार मत करो। तुम जो कहते हो वह सत्य हो सकता है, किंतु दूसरे जो कहते हैं वह भी सत्य हो सकता है। आज संसार में जो तनाव और द्वंद्व है वह दूसरों के दृष्टिकोण को न समझने के कारण ही है। अतः इस सिद्धांत से विचार समन्वय संभव है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अजर अमर है। जीव ही आत्मा है, कण कण में जीवात्मा का निवास है। इस प्रकार जैन धर्म का दार्शनिक चिंतन मूलतः आत्मकल्याण की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देता है। बौद्ध दर्शन। महावीर स्वामी की तरह ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक दूसरी महान विभूति का जन्म हुआ। इस विभूति ने भी महावीर की तरह ही महावीर स्वामी की तरह ही
छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक दूसरी महान विभूति का जन्म हुआ। इस विभूति ने भी महावीर की तरह ही उस युग में फैली धर्म ग्लानी रूढ़िवाद तथा सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज़ उठाई और भारत की जनता को जीवन का सही मार्ग बताया। यह विभूति कोई और नहीं महात्मा बुद्ध थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में उत्तरी बिहार स्थित कपिल वस्तु गणराज्य के शाक्य वंशीय क्षत्रिय कुल में हुआ। गौतम बुद्ध, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अपने कुल का गौतम गोत्र होने के कारण उन्हें गौतम भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात सबसे पहले बौद्ध गया में ही बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश तपस्सु और मल्लिक नामक दो बंजारों को दिया। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने ज्ञान एवं विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकल पड़े और सारनाथ पहुंचे। वहीं उन्होंने अपने उन 5 साथियों से संपर्क स्थापित किया जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी। यह घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। अंत में 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महावीर स्वामी की तरह ही महात्मा बुद्ध भी मानवता के शिक्षक थे। उन्होंने अपने उपदेशों से दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त कर सतत शांति प्राप्त हो ऐसा मार्ग बताने का प्रयत्न किया। दार्शनिक चिंतन का आधार 4 आर्य सत्य हैं। संसार दुखमय है। संसार में जन्म मरण संयोग वियोग लाभ हानि आदि सभी दुख ही दुख हैं। दुख का कारण सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा लालसा या वासना है। दुख दमन, तृष्णा के निवारण से या लालसा के दमन से दुख का निराकरण हो सकता है। दुख निरोध मार्ग दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है और वह अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि सांसारिक वस्तुओं को भोगने की तृष्णा ही आत्मा को जन्म मरण के बंधन में जकड़े रखती है। अतः निर्वाण प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग जीवन यापन का बीच का रास्ता है, इसलिए इसको मध्यम मार्ग भी कहा गया है। इसमें निर्वाण प्राप्ति के लिए न तो कठोर तपस्या को उचित बताया है और ना ही सांसारिक भोग विलास में डूबा रहना उचित बताया है। अष्टांगिक मार्ग के 8 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। सत्य असत्य पाप पुण्य में भेद करने से ही इन 4 आर्य सत्यों पर विश्वास पैदा होता है। दूसरा है सम्यक संकल्प। दुख के कारण तृष्णा से दूर रहने का दृढ़ विचार करो। तीसरा है सम्यक वाक, शुद्ध वचन, नित्य सत्य और मीठी वाणी बोलो। सम्यक कर्मांतः, शुद्ध कर्म, हमेशा सच्चे और अच्छे काम करो। सम्यक आजीव, शुद्ध आजीविका, अपनी आजीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाओ। सम्यक प्रयत्न, शरीर को अच्छे कार्यों में लगाने के लिए उचित परिश्रम करो। सम्यक स्मृति, अपनी त्रुटियों को बराबर याद रखकर विवेक और सावधानी से कर्म करने का प्रयास करो। सम्यक समाधि, ध्यान, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाया करो। अपनी शिक्षाओं में बुद्ध ने शील और नैतिकता पर बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को मन वचन और कर्म से पवित्र रहने को कहा। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित 10 शील या नैतिक आचरण का पालन करने को कहा। इन्हें हम सदाचार के 10 नियम भी कह सकते हैं। पहला है अहिंसा व्रत का पालन करना, अहिंसा, झूठ का परित्याग करना, सत्य, चोरी नहीं करना, अस्तेय, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह, भोग विलास से दूर रहना, ब्रह्मचार्य, नृत्य और गान का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, असमय भोजन नहीं करना, कोमल शैया का त्याग करना और कामिनी कंचन का त्याग करना। सदाचार के इन नियमों से
प्रथम पांच महावीर स्वामी द्वारा बताए गए पांच नियमों के अनुरूप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य के हैं। बुद्ध के अनुसार इन पांचों का पालन करना सभी गृहस्थियों एवं उपासकों के लिए आवश्यक है। इसका पालन करते हुए संसार का त्याग नहीं करने पर भी मनुष्य सन्मार्ग की ओर बढ़ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति संसार की महामाया को छोड़कर भिक्षु जीवन बिताता है उसके लिए उपर्युक्त नियमों का पालन करना आवश्यक है। महात्मा बुद्ध ने अपने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन उस युग में प्रचलित रूढ़िवाद का तर्कयुक्त खंडन करते हुए किया और अपने स्वतंत्र दार्शनिक चिंतन का भी प्रतिपादन किया। बुद्ध तर्क पर बहुत बल देते थे, अंधश्रद्धा में उनका विश्वास नहीं था। उन्होंने वेदों की प्रमाणिकता का खंडन किया। वेदों का खंडन करने के साथ ही उन्होंने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं माना। इसी कारण कुछ लोगों ने बुद्ध को नास्तिक भी कहा है। महात्मा बुद्ध आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए आत्मा शंकास्पद विषय था। अतः आत्मा के बारे में न उन्होंने ये कहा कि आत्मा है, न उन्होंने ये कहा कि आत्मा नहीं है। बुद्ध कर्मवाद के सिद्धांतों को मानते थे। उनका कहना था कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य का यह लोक और परलोक कर्म पर ही निर्भर है। कर्म फल भोगने के लिए ही मनुष्य का आवागमन होता है। बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे कहते थे कि मनुष्य के कर्म के अनुसार ही उसका पुनर्जन्म होता है, किंतु बुद्ध का विचार था कि यह पुनर्जन्म आत्मा का नहीं अहंकार का होता है। जब मनुष्य की तृष्णा वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं तो अहंकार भी नष्ट हो जाता है और मनुष्य पुनर्जन्म से निकलकर निर्वाण प्राप्त करता है। अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है। बुद्ध ने बताया कि प्राणी मात्र को पीड़ा पहुंचाना महापाप है। फिर भी महावीर की भांति अहिंसा पर बुद्ध ने अधिक बल नहीं दिया, बल्कि समय और परिस्थिति को देखते हुए इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप प्रदान किया। बुद्ध ने अंतःकरण की शुद्धि पर भी बल दिया। उनका कहना था कि तृष्णा अंतःकरण से पैदा होती है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण, मोक्ष प्राप्त करना है। निर्वाण शब्द का अर्थ बुझना होता है। अतः महात्मा बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा और वासना की अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है। इस तरह जैन व बुद्ध मत ने वैदिक दर्शन में कालांतर में शामिल हुई रूढ़ियों को दूर कर उसमें नवीनता को शामिल करने का कार्य किया। इस्लामिक दर्शन। इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम आमीना था। पिता का देहांत मोहम्मद साहब के जन्म से पूर्व तथा माता का देहांत इनकी बाल्यावस्था में ही हो गया था। इनका लालन पालन इनके दादा द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार हलीमा दाई ने किया। मोहम्मद साहब ने 25 वर्ष की आयु में एक विधवा स्त्री खदीजा से विवाह कर लिया। खदीजा की आयु उस समय 40 वर्ष की थी। वह हजरत मोहम्मद साहब की ईमानदारी से बड़ी प्रभावित थी, लेकिन विवाह के बाद हजरत मोहम्मद चिंतन में लीन रहने लगे। ये मदीना की मस्जिद का चित्र है। इस्लाम के पूर्व अरब की जनता बहुत देववादी थी। वे मूर्ति पूजा में भरोसा करती थी। इन्हीं परिस्थितियों में वहाँ इस्लाम का उदय हुआ। हजरत मोहम्मद को हीरा नामक गुफा में ईश्वरीय ज्ञान हुआ। उन्होंने अरबी जनता को संदेश दिया कि अल्लाह ईश्वर के सिवाय कोई भी पूजनीय नहीं है और मैं उनका पैगंबर दूत हूँ। उन्होंने काबा में रखे हुए 360 देवताओं की पूजा का विरोध किया। इस कारण से मक्का वासी नाराज हो गए और उनका विरोध करने लगे, जिसके कारण हजरत मोहम्मद को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। यह महत्वपूर्ण घटना इस्लाम में हिजरत कहलाती है। हिजरत कहलाती है। इसी घटना से ही 622 ईस्वी से इस्लाम का हिजरी संवत शुरू होता है।
मदीना पहुंचने पर हजरत मोहम्मद का सत्कार व स्वागत करने वाले अंसार मदद करने वाले कहलाए। यहीं से उन्होंने इस्लाम का प्रचार शुरू किया। मक्का वासी भी धीरे धीरे उनके विचारों को मानने के लिए तैयार हो गए तथा समस्त अरब जगत में उनके विचारों का प्रचार प्रसार होने लगा। 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनके खलीफाओं ने विशाल साम्राज्य की नींव डाली। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फ़ारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली आदि खलीफाओं ने इस मजहब का खूब प्रचार किया। इस्लाम का दार्शनिक चिंतन मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान में संग्रहित है। यह चिंतन इस प्रकार से है। 5 मुख्य शिक्षाएँ निम्नानुसार हैं। मूल मंत्र कलमा, अल्लाह ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है और मोहम्मद उसके पैगंबर दूत हैं, अर्थात इस्लाम एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है। दूसरा, नमाज, प्रतिदिन 5 निश्चित समयों पर अल्लाह को सजदा नमन करना। ये समय सूर्योदय से पूर्व फजर, दोपहर जोहर, तीसरा पहर असर, सूर्यास्त मगरिब और रात्रि शयन पूर्व ईशा है। शुक्रवार को बड़ी सामूहिक नमाज। तीसरा है रोजा इबरत। रमजान के पूरे महीने में प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना पीना नहीं करना। जकात दान, यदि एक वर्ष में 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी के बराबर या अधिक धन हो तो इसका 40वां हिस्सा दान में देना। हज यात्रा, जीवन में कम से कम एक बार मक्का में मजहबी यात्रा पर जाना। इस्लाम की मान्यता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद अल्लाह उसके कर्मों का हिसाब कर उसे जन्नत अथवा दोजख प्रदान करता है। इस्लाम के अनुसार यह जीवन अंतिम है, अर्थात इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता है। इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। ईसाई दर्शन, ईसाई मजहब व दर्शन के संस्थापक ईसा मसीह थे। इनका जन्म फिलिस्तीन के पहाड़ी भाग बैथलहम में हुआ। उनके पिता यूसुफ तथा माता मरियम बढ़ई का कार्य करते थे। ईसा मसीह ने अंधविश्वास से घिरे समाज को मुक्त करने की ठान ली। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को उपदेश दिया कि परमात्मा सबको समान दृष्टि से देखता है। यहूदियों को ईसा मसीह का यह संदेश खटकने लगा। एक बार ईसा मसीह ने जेरूसलम के एक उत्सव में यहूदियों के हिंसात्मक कार्यों का विरोध किया। इससे सारा यहूदी समाज उनसे चिढ़ गया। ईसा मसीह के एक शिष्य जुड़ास ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। दंड के रूप में उन्हें 30 वर्ष की अवस्था में सूली पर चढ़ा दिया गया। अंतिम समय में ईसा मसीह ने कहा, हे ईश्वर, उन्हें क्षमा करो क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ईसा मसीह के प्रमुख से संत पॉल व पीटर ने उनके सिद्धांतों का बहुत प्रचार किया। ईसाई दर्शन के अनुसार ईश्वर एक है तथा उसकी दृष्टि में सभी जीव समान हैं। ईसा मसीह ने मनुष्य की सच्चरित्रता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमें क्रोध और बदले की भावना छोड़कर क्षमा करना सीखना चाहिए। उनका विचार था कि सहनशीलता से आत्मा की उन्नति होती है। उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा, दीन दुखियों की सेवा व बलिदान की शिक्षा दी। उनके उपदेश ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में संकलित हैं। ईसाई मजहब बाद में 2 भागों में विभाजित हो गया, एक रोमन कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। जो मूल मजहब पर थे वे कैथोलिक तथा जिन्होंने सुधारों का समर्थन किया वे प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रोटेस्टेंट लोगों ने पोप के राजनीतिक अधिकार, पतित पादरियों और क्षमादान पत्रों की बिक्री का विरोध किया। बाद में मूल ईसाई मजहब में सुधार करने के लिए प्रतिवादात्मक मजहबी सुधार आंदोलन चलाया गया और क्षमादान पत्रों की बिक्री बंद कर दी गई। इस प्रकार ईसाई दार्शनिक चिंतन के दया, करुणा, सेवा, सच्चरित्रता, सहनशीलता आदि मुख्य तत्व हैं। पारसी दर्शन, पारसी धर्म का जन्म फारस ईरान में हुआ था। वहाँ के निवासियों का धर्म प्रकृति की पूजा पर आधारित था। इनके मुख्य देवता सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि थे, परंतु सूर्य सबसे बड़ा देवता समझा जाता था। फारस का यह
प्राकृतिक धर्म कालांतर में धर्म श्रोन के रूप में स्वीकार किया गया। इसके संस्थापक जरथुस्ट थे। यही श्रवण धर्म बाद में पारसी धर्म बना। जरथुस्ट का जन्म पश्चिमी ईरान के अजरबैजान प्रांत में हुआ। उनके पिता का नाम पोमश्वा और माता का नाम द्रोधा था। वे आरंभ से ही विचारशील थे। 30 वर्ष की आयु में सवलान पर्वत पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अधिकांश विद्वान जरथुस्ट का काल 600 ईस्वी पूर्व मानते हैं। जरथुस्ट द्वारा स्थापित दार्शनिक चिंतन के अनुसार शरीर नाशवान है तथा आत्मा अमर है। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार सत्य व असत्य का पालन करने से स्वर्ग व नरक की प्राप्ति होती है। इन विचारों से पारसी दर्शन भी वैदिक दर्शन के समान ही दिखाई देता है। पारसी दर्शन के अनुसार संसार में दैवी और दानवी दो प्रकार की शक्तियाँ हैं। दैवी शक्तियों का प्रतीक अहूर मज्दा है। यह महान देवता है जिसने पृथ्वी, मनुष्य व स्वर्ग की रचना की है। अहूर मज्दा शक्ति कहती है कि मनुष्यों बुरी बात न सोचो, सदमार्ग न छोड़ो, पाप न करो। दानवीय शक्तियों का प्रतीक जो दानवीय शक्तियाँ उनका प्रतीक है अहरिमन। अहरिमन शक्ति मनुष्य को शैतान बनाकर नरक की ओर ले जाती है। इन दोनों शक्तियों में संघर्ष चलता रहता है, किंतु अंतिम विजय अहूर मज़दा की ही होती है। जरथुस्ट का दर्शन पलायनवादी नहीं है। उसका मत है कि संसार में रहते हुए सदकर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पारसी दर्शन के अनुसार शरीर के दो भाग हैं, शारीरिक और आध्यात्मिक। मरने के बाद शरीर तो नष्ट हो जाता है, किंतु आध्यात्मिक मार्ग भाग जीवित रहता है। पारसी दर्शन के अनुसार यह संसार वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी से बना है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ अवस्था एजेद है। इसमें जरथुस्ट की शिक्षाएं संकलित हैं। कालांतर में ईरान पर बाहरी आक्रमण होने से पारसियों की बहुत बड़ी संख्या भारत में आकर बस गई। मुंबई में स्थित पारसी मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से आज भी अत्यंत प्रसिद्ध है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग धर्म व दर्शनों ने जन्म लिया। सब दर्शनों ने मानव जाति को बुरे कार्यों से बचने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी तथा अपने अपने क्षेत्र में समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। विश्व के प्रमुख दर्शनों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सभी का अंतिम लक्ष्य मानव के जीवन को आध्यात्मिक एवं अच्छा बनाना है। सभी दर्शन उत्तम चरित्र निर्माण के लिए सद्गुणों की आवश्यकता पर बल देते हैं। मानव सेवा, परोपकार, अहिंसा, प्रेम आदि भावनाएं सभी धर्मों मजहबों में पाई जाती हैं। हमें सभी दर्शनों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। धन्यवाद।